टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम से देश भर में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। सीएम के साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी और नेता राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से मॉरिशस की राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना हुई। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। गाजियाबाद में वन्य जीव तस्करी व रेव पार्टी में सांपों के जहर तस्करी के आरोप में घिरे यूट्यूब एल्वेश यादव ने पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी और न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े गौरव और सौरभ गुप्ता को जान से मारने और घर से उठा लेने की धमकी दी है। बंगाल के लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमारी बात नहीं हो पाई, टीएमसी से यही सही है। पता नहीं उनके ऊपर क्या बीजेपी का दबाव है, हम आखिरी वक्त तक उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सीसी बैठक होगी। इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार राजधानी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे। वैश्विक बाजारों में जारी गिरावट के चलते आज घरेलू बाजार की भी शुरुआत खराब हो गई। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती कारोबार में लाल निशान में चले गए। हालांकि घरेलू स्तर पर मिल रहे सपोर्ट से नुकसान सीमित दिख रहा है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी कभी किसी आंदोलन या संघर्ष का हिस्सा नहीं रही और न ही उसने खुद से कुछ बनाया है, वह केवल दूसरों से छीनना जानती है। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 2 से 3 महीने में उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे गुट के एक और विधायक सीएम एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर रविवार को सीएम आवास पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद गहराता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को नीचा दिखा रही है। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसे लेकर उन्होंने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। ऑस्कर अवार्ड में ओपेनहाइमर ने धूम मचा दी है। इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर से लेकर बेस्ट डायरेक्टर और एक्टर तक इस साल सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरा टेस्ट हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। लगातार 2 मुकाबले जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत को पछाड़ नहीं सकी। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल हुमा कुरेशी का शो मैडनेस मचाएंगे होस्ट कर रहे हैं। हर्ष के साथ साथ कुशल बलजी के परितोष त्रिपाठी हेमांकी कवि जैसे कई कॉमेडी एक्टर्स इस शो में लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। 60 से 65 करोड़ के बजट में बनी अजय देवगन स्टारर शैतान को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म की कमाई में हर नए दिन इजाफा हो रहा है, जिस तरह पहले दिन के बाद दूसरे दिन के बिजनेस में बढ़ोतरी देखी गई थी। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में कई बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है। अब एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो साउथ सिनेमा में एक मशहूर डायरेक्टर के साथ एक बड़ी फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बायोपिक फिल्म होने वाली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।